नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम मनुष्यों में कौन देवता होता है और कौन राक्षस होता है, अर्थात कौन सुर है और कौन असुर है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का आधार रहेगा श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस संबंध में क्या उपदेश दिया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं, आज इस पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के प्रकार बताए हैं। किस मनुष्य को देव कहा जा सकता है, किस मनुष्य को असुर कहा जा सकता है, इसके पूरे वर्णन किए गए हैं। और इसी संबंध में उन्हीं की बात को आज आपसे बांटेंगे। हाँ, तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में इस प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है, तो उसका यहां पर चर्चा का विषय है। तो इसमें मैं जो हिंदी अर्थ है श्लोकों का, केवल उनका ही उच्चारण और किंचित व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। संस्कृत श्लोकों को यहां पर मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसकी आवश्यकता जिसको हो वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का स्वयं अध्ययन, मनन, चिंतन और पठन कर ले। श्री भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस व्यक्ति में भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता हो, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति हो और सात्विक दान करता हो, जिसमें इंद्रियों का दमन करने की क्षमता हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र यानी हवन यज्ञ आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता हो और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हो, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण यानी कि साधारण भाषा में कहें तो अंदर से मन, अंतर मन, अंतःकरण है वो, सरल हो, उसमें सरलता हो, सहजता हो, छल कपट विद्वेष पाखंड झूठ इन सब से रहित होता है, उसे सरल हृदय का व्यक्ति कहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर, यानी तीन चीजें हुई, मन से, वाणी से और शरीर से, किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। इसका अर्थ है कि अंतःकरण यानी कि अंतर मन और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो, महसूस किया हो, वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम ही सत्य भाषण या यथार्थ और प्रिय भाषण कहलाता है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, यानी यदि खुद का अपकार कोई कर दे, खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, उस पर भी क्रोध का न होना, और वह स्वयं जो कर्म करे उस कर्म में इस भाव का न होना कि वो उसने किया है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग,
यानी किसी भी कर्म में जब कोई कहता है कि यह मैंने किया, वो उसी समय असुर हो जाता है, यानी कि असुरता की श्रेणी में चला जाता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण देवत्व के गुण बता रहे हैं, दैवी संपदा प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण बता रहे हैं। तो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, जिसका चित्त चंचल ना हो, पल पल पे इसके भाव न बदले, एक स्थिर भाव हो, एक स्थिर सिद्धांत हो, एक स्थिर नीति हो, यानी कि चित्त की चंचलता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी की भी निंदा आदि न करना, किसी की भी निंदा आदि नहीं करना चाहिए। अब यहां पर निंदा शब्द और पीछे आया सत्य भाषण। सत्य भाषण में अगर आप किसी को बुरा कह रहे हैं सत्य बोलने में, तो वो निंदा में नहीं आता। यहां पर फर्क समझिए, किसी की भी निंदा आदि न करना और सत्य बोलना, ये दो चीजें एक साथ, यानी कि निंदा झूठी न करना, असत्य न बोलना, मिथ्या भाषण न करना। सब भूत प्राणियों में, यानी जितना भी जगत में प्राणी मात्र है, तो उनमें सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, यानी कि बिना किसी लाभ के, बिना किसी मोह के, या उनसे कोई फायदा हो रहा है या ना हो रहा है तो उन पे दया करी जाए। हेतु रहित दया यानी बिना किसी कामना के, बिना किसी फायदा के भी सभी भूत प्राणियों पर दया रखना, दया करना। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, यानी कि आपको अगर कुछ चीज भोग के लिए प्राप्त हो, खाने के लिए प्राप्त हो, भोजन के लिए प्राप्त हो, या आपकी इंद्रियों का किसी भी विषय के साथ संयोग हो, तो जो हमारी इंद्रियां हैं उनका किसी भी विषय के साथ में संयोग हो और फिर भी उसमें आसक्ति का ना होना, उसकी आदत न पड़ जाए, उसमें लगाव न पैदा हो जाए, उसके प्रति मोह न पैदा हो जाए, लोभ न पैदा हो जाए, लालच न पैदा हो जाए, यानी कि पूर्णतः आसक्ति का अभाव और कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, यानी लोक में जो मान्य नहीं है, यानी कि पूरे जो सर्व लोग जितना भी प्राणीजन है या ये पूरा का पूरा जो मनुष्यों का समुदाय है, इसको लोक विरुद्ध यानी कि जो लोग नहीं मानते, लोक और शास्त्र, और जिस शास्त्र नहीं मानता जिसको, या शास्त्र से विरुद्ध कोई भी बात को आचरण करे या व्यवहार करे या बात को कहे, तो लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा होना चाहिए और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। बेकार का कार्य करना या बेकार की चेष्टा करना, यानी कि जिस चेष्टा का या प्रयास का या कार्य का व्यर्थ होना, वह मनुष्य जानता है कि यह बेकार जाएगी और फिर भी वो करे, इन सब का अभाव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। और अगर वो इस प्रकार के कार्य करता है, इस प्रकार की चेष्टाएं करता है, उसी समय वो असुर हो जाता है। अतः देवत्व दैवीय संपदा का ये प्रथम लक्षण है, वो एक लक्षण है, प्रथम तो बहुत हो गए पहले। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें तेज हो, तेज क्या चीज है, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषय आसक्त
और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यानी तेज वह शक्ति है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आन बैठे जो विषयासक्त हो, कामी हो, नीच प्रकृति वाला हो और अन्याय करने वाला जुल्मी व्यक्ति हो, तो उनके उपस्थिति मात्र से वह रुक जाए और उनके कथनानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, हुक्म के अनुसार श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त हो जाए। यानी कि आपके अंदर में तेज वह चीज है जो दूसरी गलत चीज को भी सही कर दे, उसे भी ठीक मार्ग पर ले आए, आपकी उपस्थिति मात्र से और आपके कथन मात्र से। उस शक्ति का नाम ही तेज कहा है भगवान ने यहां पर। इसके बाद में क्षमा, आपके अंदर क्षमा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, पूर्णतः धैर्यवान मनुष्य होना चाहिए। बाहर की शुद्धि, अब बाहर की शुद्धि का तात्पर्य बिल्कुल साफ है, आप पवित्र वातावरण में रहें, पवित्रता के साथ रहें, शुद्धता के साथ रहें, तो बाहर की शुद्धि, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध रहे, आप किसी गंदे वातावरण में न रहें, स्वयं गंदे न रहें और किसी भी ऐसी स्थिति का या वातावरण का तुरंत त्याग कर दें, तुरंत हट जाएं या उस वातावरण को शुद्ध बना दें जहां पर गंदगी है, यहां पर अशुद्धि है, उसको शुद्ध रखें। तो बाहर की हर प्रकार की शुद्धि इसके भीतर आती है और इसकी अलग से अगर हम व्याख्या देखें तो इसमें भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही इसको विस्तार दिया है और वह इस प्रकार से है कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहा गया है तथा राग द्वेष कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना यह भीतर की शुद्धि कहा है। आप आगे कहते हैं प्रभु, एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना। आप जंग लड़ रहे हैं, युद्ध मैदान में हो तो भी सामने खड़े व्यक्ति के प्रति या दुनिया में किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव का ना होना, ये बहुत बड़ा सद्गुण है। और उसके बाद आप युद्ध करते हैं तो आप अवश्य जीतेंगे, तो शत्रु भाव का ना होना चाहिए और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यानी स्वयं को पूजवाना, स्वयं में पूज्यता का अभिमान करना, समझे, ये सब भगवान श्री कृष्ण वर्जित करते हैं। तो अपनी पूजा नहीं करवाना चाहिए, जो मनुष्य अपनी पूजा करवाता है, अपने को सम्मानित कराता है या स्वयं को सम्मानित मानता है, तो सम्मानित होने का या पूज्यता का अभिमान जिसके भीतर है ये देवत्व की श्रेणी में नहीं आता, यानी ये दैवी संपदा नहीं है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवीय संपदा को उत्पन्न पुरुष के लक्षण है,
यानी कि अर्जुन को प्रभु ने यहाँ पे समझाया कि ये जो ऊपर लक्षण बताए ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं, ये लोग दैवी संपदा प्राप्त हैं और इन्हीं लोगों को देवता कहा जाता है। अब आगे कहते हैं प्रभु, आप सुनिए, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, क्या क्या बताया? दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा यानी असुर हैं, आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। ये सब असुर हैं, इन लोगों को राक्षस कहा जाता है। तो मनुष्य दो प्रकार के बताए प्रभु ने कि एक तो वे जो दैवीय संपदा प्राप्त हैं देवता हैं और दूसरे आसुरी पुरुषों के लक्षण भी बता दिए। तो एक ही मनुष्य में ये दोनों गुण भी हो सकते हैं या दो बैठे आमने सामने मनुष्य, अगल बगल में रहने वाले मनुष्य या इसी प्रकृति के भीतर सुर और असुर, देवता और राक्षस, दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं। देवता और राक्षस ये भिन्न मनुष्य नहीं है, मनुष्यों में ही कुछ लोग देवता होते हैं, कुछ लोग राक्षस होते हैं, कुछ लोग सुर होते हैं, कुछ लोग असुर, सुर यानी देवता और असुर यानी जो देवता नहीं है, राक्षस, असुर, दैत्य, वो हुए। अब आप आगे सुनिए प्रभु क्या कहते हैं इस संबंध में, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। यानी दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और आसुरी संपदा बंधन देती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर प्रभु ने अर्जुन को बड़ा स्पष्ट और एकदम से चैतन्य किया कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर, दुखी मत हो, क्योंकि तू दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, तू देव पुरुष है, देव है, देवता है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं कि इस संपूर्ण लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवीय प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। यानी कि एक तो देवता प्रकृति वाले लोग हैं और दूसरे असुर प्रकृति वाले लोग हैं। उनमें से दैवीय प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक सुन लिया, मैंने बता दिया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा वाले या असुरों के बारे में या राक्षस मनुष्य जो रहते हैं, जो हम लोगों के ही बीच में से हैं, आपस में से हैं, और हमारे घर में भी हो सकते हैं, घर से बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो मनुष्यों में तो देवता पुरुषों के तो लक्षण उन्होंने बताया, वो बोल रहे हैं, अब तू आसुरी प्रकृति वाले या राक्षसी मनुष्यों के लक्षण विस्तार से सुन। अब क्या कहते हैं प्रभु आगे, अब आप उसको सुनिए, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, उन्हें किसी काम में लगना और उस काम से छूटना, यानी कि किसी में प्रवृत्त होना और उससे निवृत्त होना,
ये दोनों ही चीजों को वो नहीं जानते। तो वो बोल रहे हैं प्रभु आसुरी स्वभाव वाले यानी राक्षस लोग यानी राक्षसी प्रकृति के मनुष्य न तो प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को जानते हैं, इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे कभी सत्य बोलते ही नहीं, भूले भटके कभी सत्य बोल जाए। तो वो प्रभु बता रहे हैं कि उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है, यानी वो कभी सत्य नहीं बोलते, उनके मुख से हमेशा ही असत्य भाषण मिथ्या और झूठ ही झूठ निकलेगा। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे देर बता रहे हैं अर्जुन को कि वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि ये जो सारा जो संसार है, ये जो सारा जगत है, ये आश्रय रहित है, इसका कोई आश्रय नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, आगाड़ा पिछाड़ा नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे, कुछ नहीं है, बस जो है सो यही है। तो ये जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। यानी उनका जो मानना रहता है वो ये, इस जगत में केवल स्त्री और पुरुष के कारण ये जगत पैदा होता है और उनके भीतर जो काम भावना है उनके संयोग से इस जगत की सृष्टि होती है और नष्ट हो जाता है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं है आगे पीछे। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, यानी इस मिथ्या ज्ञान के सहारे जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, यानी इनके स्वभाव ही नष्ट हो चुके हैं, इनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी, ऐसे लोग सबका अपकार करते हैं, किसी का उपकार नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, सबको केवल नुकसान ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, वे सिर्फ जगत का नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं, उन्हें जहां भी कोई भी चीज मिलेगी उसको नष्ट करेंगे, कहीं पेड़ पौधा मिलेगा पत्ता तोड़ेंगे, डाल तोड़ेंगे, हरे पौधे उखाड़ेंगे, हरे पौधों को काट डालेंगे और फूल आ रहे हो फल आ रहे हो उन्हें तो तोड़ के फेंकेंगे, पौधों तक को नष्ट कर देंगे, मनुष्यों को नष्ट करेंगे, किसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे किसका अपकार किया जा सकता है, कैसे किसी को दुख पहुंचाया जा सकता है, कैसे किसी को कष्ट दिया जा सकता है, वो उनका यही चिंतन चलता रहता है और उनका काम केवल जो है इस जगत का नाश करना ही रहता है और वे इस जगत के नाश के लिए ही समर्थ और पैदा होते हैं। वे दंभ मान, वे दंभ तो वेदंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो प्रभु यहां पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उनमें दंभ ही दंभ रहता है, पद पे बैठ गए तो अहंकार भरा रहेगा, दंभ भरा रहेगा, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम इसका ये बिगाड़ सकते हैं, हम उसका ये नुकसान कर, ये और वो फलाना ढिकाना। तो उनमें दंभ मान, अपने अंदर में अभिमानी अभिमान और मद से युक्त, मद होगा, पद पे बैठे पद का मद, धन ज्यादा है तो धन का मद, बल ज्यादा है तो बल का मद,
किसी और प्रकार की कोई शक्ति है या कुछ और है तो उसका मद। तो दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, उनकी कामना ही कामना होती, इच्छा ही इच्छा होती है, और कामना एक बड़े एक पूर्ण हो दूसरी पैदा हो जाएगी, उन्हीं कामनाओं का कहीं अंत नहीं है। एक कामना होगी तो वो भी अनंत होगी, वो उनके मरने के बाद भी पूर्ण नहीं होगी और वो चलती चली जाएगी। तो प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर उन्हीं के सारे जिंदा रहते हैं। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, अज्ञानी अज्ञान भरा रहता है उनके अंदर में, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, बस। तो अज्ञान से वो मिथ्या सिद्धांत रहते हैं, वो से अपने सिद्धांत अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार रच लेते हैं। उनके सिद्धांतों में शास्त्र नहीं होते, उनके सिद्धांतों में ईश्वरता नहीं रहती, ईश्वरीय सिद्धांत नहीं रहते। वे लोग ग्रंथों को नहीं मानते, तो न वे ईश्वरी सिद्धांतों को मानते हैं, न कुदरत के सिद्धांतों, प्रकृति के सिद्धांतों को मानते हैं, न ईश्वरी सिद्धांतों को, न शास्त्रों के सिद्धांतों को, न ग्रंथों के सिद्धांतों को। उनके अपने खुद के सिद्धांत अपने रच लेते हैं। तो इसको अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में विचरते हैं, इस संसार में जिंदा रहते हैं, इस संसार में जीते हैं और मर जाते हैं। ये इस सब इसके लिए उन्होंने भ्रष्ट आचरण शब्द इस्तेमाल किया है प्रभु ने। तो अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके, यानी जो ऐसा करता है वह भ्रष्ट आचरण करता है, उसको धारण करके इस संसार में विचरता है, जीवित रहता है, जिंदा रहता है, मरता है। प्रभु ने कहा ये असुरों के लक्षण बताए जा रहे हैं, राक्षसों के लक्षण बता रहे हैं प्रभु। तो ये लोग असुर लोग हैं, आगे और सुनिए वो क्या कहते हैं प्रभु इन राक्षसों और दैत्यों और जो हमारे ही बीच में है, शायद हमारे घर में ही हो, ऐसे मनुष्यों के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, यानी कि मृत्यु तक रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय, वे उनमें चिंता ही चिंता भरी रहती है, ये को होना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये पाना है वो खोना है, ये कैसे, मैं कैसे इतना दुखी, मेरे पे इतना कम क्यों, दूसरे पे इतना क्यों बढ़ रहा है, ये हो रहा है, उनमें चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, वो सदा चिंता में जीवन गुजारते हैं। उनके मुख पर कभी भी प्रसन्नता का भाव, कभी मुस्कुराहट कभी नहीं दिखेगी, वो तो उनकी तो चिंता असंख्य रहती। तो प्रभु बोल रहे हैं कि तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, उनमें खुद ही पैदा होती चली जाती हैं, उनमें ये रहती ही है, असंख्य चिंताओं के सहारे जीते हैं वे, और विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, वे हमेशा विषय भोगों के भोगने, उन्हें विषय भोग चाहिए, कुछ भी मिले, मिलता रहे, मिलता रहे, आता रहे, आता रहे, हर प्रकार का विषय, हर प्रकार का वो उनको भोगने में तत्पर रहते हैं हमेशा जीवन भर। और इतना ही सुख है, प्रभु क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ही सुख है, इस प्रकार मानते हैं। तो इस प्रकार को जो मानने वाले होते हैं, ये सब असुर हैं, ये सब असुर हैं, राक्षस हैं। देखिए प्रभु की आज्ञाएं सुनिए, प्रभु कितना सुंदर विवरण दे रहे हैं इन राक्षसों का, असुरों का। हमारे आपके बीच में ही है, मनुष्य कोई दूसरी जाति नहीं,
घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जहां आप बैठे हैं वहां आसपास हो सकते हैं। आगे बोल रहे हैं प्रभु इन्हीं असुरों के और राक्षसों के गुण बताते हुए, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, उनमें आशा की सैकड़ों फांसियां रहती हैं। आशा आशा उम्मीद उम्मीद, और वे बिड़े रहते हैं उस उम्मीद में। तो वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे मनुष्यों के बारे में वो बता रहे हैं, उन्हें तो चाहिए धन किसी भी प्रकार से आए, अच्छे आए बुरा आए, अन्याय पूर्वक आए, जुल्म से आए, अत्याचार से आए, लेकिन आए। देखिए असुरों और राक्षसों के लक्षण सुन लीजिए प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहे, तो वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वो इसी में ही लगे रहते हैं, अन्याय से, जुल्म से, अत्याचार से, कैसे भी आए आए, बस उनके सारे काम और क्रोध ये भावनाएं पूर्ण होती रहे। इसके लिए वो किसी को भी कैसा भी नुकसान पहुंचाने को तैयार रहते हैं, किसी को भी लूट, अगर इस बात को विस्तार दिया जाए या व्याख्या की जाए तो लुटेरे और डाकू केवल वही नहीं होते हैं जो कि आपसे कुछ छीन लेते हैं, वो भी होते हैं जो इस प्रकार से धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। और इस श्लोक की तो बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है, किंतु प्रभु जो कह रहे हैं उसको अपन आगे बांटते हैं और विचारते हैं। तमाम ढोंगी और पाखंडी, चाहे साधु बन के कमाए, चाहे संत बन के कमाए, या नेता बन के कमाए, या अफसर बन के कमाए, या किसी प्रकार किसी भी रूप में कोई भी रूप धारण कर लें, अंततः वह इस श्लोक के अनुसार लुटेरे और डकैत ही कहे हैं प्रभु ने, असुर कहे हैं, राक्षस कहा है उनको। तो ये लोग असुर और राक्षस, भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिए, पुकार दिए। तो अब जो कहने का मतलब है वो बड़ा स्पष्ट और साफ है। और वे सोचा करते हैं और वे सोचा करते हैं, आगे प्रभु कह रहे हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, यानी कि मैंने आज मुझे ये मिल गया और अब मैं इसको प्राप्त करूंगा,
अब मुझे ये पाना है, आज मैंने ये पा लिया, अब मुझे ये पाना है, बस उनकी गिनती इसी में चलती रहती है। ये मिल गया, इससे आगे और इतना और इतना और इतना। तो प्रभु यहां पर बोल रहे हैं कि वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह आएगा और धन आ जाएगा, इससे मैं ये कर लूंगा। देखिए असुरों के और राक्षसों के लक्षण बताते जा रहे हैं प्रभु, बड़ा ये सुंदर श्लोक है। क्या है मालूम है ये श्लोक, इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आगे बोल रहे हैं प्रभु, उनमें और क्या क्या अभिमान रहते हैं और क्या क्या उनके अंदर में विकार रहते हैं, तो बता रहे हैं कि उनके विकारों की कोई सीमाएं नहीं है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, यानी उसे मैंने मारा, और उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। उनके अंदर में ये भावना रहती है, इन असुरों और राक्षसों के भीतर, ये मनुष्यों के भीतर, जो हम में से आप में से ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है, कि उनमें क्या भावनाएं रहती हैं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं, यानी मैं सिर्फ केवल मैं ही हूं, जो हूं सो मैं हूं, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं, ये असुर राक्षस दैत्य, इनके ये गुण हैं, ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, इसी में जीतते हैं, इसी में मरते हैं वो। आगे बोलते हैं प्रभु और लक्षण बताते हैं कि उनमें और क्या क्या होता है, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या भावनाएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं उनके, किन दुर्गुणों से युक्त मनुष्य असुर राक्षस और दैत्य कहे जाते हैं उनमें। वे बोल रहे हैं, वो सोचते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि मैं बड़ा धनी और बहुत बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। यहां पर प्रभु ने उनके गुण के साथ उनका अंजाम भी बताया है, उनका अंत भी बताया है कि क्या होगा, तो उनमें क्या घमंड रहता है, क्या क्या सोच रहती है उनकी, क्या भावनाएं रहती है कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, वे खुद को ही श्रेष्ठ मानते हैं, बाकाया सबको निकृष्ट मानते हैं, उनकी ये सोच है, उनकी ये भावना, और सब कीड़े मकोड़े वे ही श्रेष्ठ है बस। तो प्रभु बोल रहे हैं यहां पर कि वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर, इन घमंडी पुरुषों में धन और मान इसका मद भरा रहता है, और इससे युक्त होकर केवल नाम मात्र के योग्यों द्वारा,
नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, झूठे दिखावे करते हैं, पाखंड करते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा यहाँ पर? नाम मात्र का दिखाना पाखंड। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे घमंड भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों और हवनों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। उन्हें शास्त्र विधि से और उससे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। शास्त्र क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, विधान क्या कहता है, प्रभु क्या कहते हैं, ईश्वरी सिद्धांत क्या है, शास्त्र के सिद्धांत क्या है, ग्रंथ, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। बस उनके तो दान और मान के मत से युक्त होकर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। और क्या बता रहे हैं प्रभु? राक्षसों के और असुरों के और इन दैत्य मनुष्यों के लक्षण, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। देखिए प्रभु ने क्या कहा उन असुरों और राक्षसों, इन्हीं दैत्य मनुष्यों के बारे में जो हमारे आपके बीच में ही है, कि वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी प्रभु से स्वयं ही द्वेष करते हैं, उनसे बैर मानते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। अब आगे देखिए प्रभु ने कितनी बड़ी बात कही और स्पष्ट कही कि ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुरुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं, यानी उन्हें राक्षस ही बनाता रहता हूं, उन्हें देवत्व की तरफ जाने ही नहीं देता, उन्हें देवी संपदा लेने ही नहीं देता। वो हमेशा जब भी पैदा होंगे, जहां भी पैदा होंगे, जिस योनि में भी जाएंगे, आसुरी योनि में जाएंगे, राक्षस योनि में जाएंगे, उन्हें कभी भी देवत्व की प्राप्ति होगी ही नहीं। उन्होंने निश्चय सिद्धांत यहां पर घोषित कर दिया, निर्णय उनका घोषित कर दिया, उनके कर्मों का फल घोषित कर दिया है। उन्हें जीवन में कभी भी, किसी भी जीवन में और बार बार जब भी इस धरा पर आएंगे, वे केवल और केवल असुर ही बनेंगे, राक्षस ही बनेंगे, उन्हें देवत्व की कभी प्राप्ति नहीं होगी। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, वे मूढ़ और मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे मूढ़ और मूर्ख मनुष्य, इनकी मुक्तियां नहीं होती, ये कभी भी न स्वर्ग को जाते हैं न नरक को जाते हैं, और इनके मोक्ष नहीं होते, ये तो बार बार जन्म लेते हैं, हर बार आसुरी योनि को ही प्राप्त होंगे, हर बार असुर ही बनेंगे, राक्षस ही बनेंगे, दैत्य ही बनेंगे, इसके सिवा इनका कोई निराकरण है ही नहीं। तो इनको तो बार बार हर जन्म में जन्म लेना पड़ेगा, इनकी मोक्ष मुक्ति संभव नहीं, और हमेशा आसुरी योनि राक्षस ही बनते रहेंगे, दैत्य ही बनते रहेंगे, आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहेंगे, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, यानी कि अभी आज जो है उससे भी ज्यादा नीच गति को प्राप्त हो जाएंगे, यानी अगला जो इनका जन्म होगा वो ये इस स्थिति में भी नहीं रहेंगे, यानी उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं।
इनको नरक से भी और निकृष्ट और निम्न तक नरक में डाल के रखा जाएगा। ये असुर दैत्य और राक्षस ही बने रहेंगे और इनको नरकतम नरक भोगने पड़ने। तो ऐसे जो राक्षस और दैत्य मनुष्य हैं हमारे आपके बीच में हैं, असुर हैं, उनके बारे में प्रभु बड़ा दे रहे हैं स्पष्ट ज्ञान कि ये आज जो हैं कल वो नहीं रहेंगे, इससे भी ज्यादा इनकी दुरावस्था होगी, ये और असुरता और राक्षसता को प्राप्त होंगे और ज्यादा नरक भोगेंगे, नरक का पीड़ा भोगेंगे, नरक का दंड भोगेंगे, इन पर कष्टों ही कष्टों के वार होंगे जो कि ईश्वरीय कष्ट होंगे, ईश्वरीय प्रावधान है। ये भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ इस्मादेत त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, इन तीनों से बच के रहना चाहिए। कौन तीन? काम क्रोध तथा लोभ। इसको तीनों को त्याग करने का निर्देश दे रहे हैं प्रभु। ये तीनों नरक के द्वार हैं, सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहां पे काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है प्रभु ने। आगे कह रहे हैं हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। तो अपने उद्धार के लिए जो भगवत आज्ञा अनुसार वर्तना, यानी जो भगवत की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, उसके अनुसार ही वर्तना यानी आचरण करना, व्यवहार करना, कर्म करना, ये अपने कल्याण के आचरण को करना है। हे अर्जुन, आगे कह रहे हैं इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, स्वेच्छाचारिता करता है, स्वयं को ईश्वर मानता है, स्वयं सिद्ध मानता है, एवं न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है और न सुख को ही प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य को न सुख, न तो आश्रय और न शरण प्रभु कुछ ही नहीं देते। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। यहां पर वो अंतिम श्लोक में कहते हैं, इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। यानी केवल शास्त्र के अनुसार ही कर्म करना है, आचरण करना है, व्यवहार करना है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंतिम श्लोक में निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और वही तुझे करना है।
उससे भिन्न कर्म करेगा तो निश्चित रूप से ऊपर जो बताया है वैसा ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ये श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय था, जिसमें उन्होंने देवताओं और असुरों, राक्षसों, दैत्यों के लक्षण बताए और मनुष्यों की भिन्नताएं बताई। सुर और असुर हमारे ही बीच में हैं, हम लोग में से ही हैं। उनके लक्षण बताए, गुण बताए, आचरण व्यवहार बताए। तो ये प्रभु के जो आदेश थे, इस पर अब हमने आपस में यहाँ चर्चा की, आपस में उनकी बात को बांटा। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।